हेलो, ये देखो मैं यहीं पे रुका हुआ था रात भर, तो इनसे मैंने बात की है। इन्होंने अभी, ये तो खुद ही थक गए हैं, पर इन्होंने मुझे बहुत बातें बताई कैसे रहना जाना है। मैं इसी के पास था और मैंने यहाँ पे सीखा कि मैं ये सब खुद से बना सकता हूँ कुछ कुछ, पर अभी फ़िलहाल मैं नहीं बनाऊँगा। पर मुझे इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है कैसे बनाया जाता है, और अब इस घोड़े को, ये तो चलने से रहा है, तो बेलसा का घोड़ा है, बहुत मस्त है। एक घोड़ा मैं भी लूँगा, पर इस मुझे पता चला यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये तीर धनुष है, तीर के कमान, कमान नहीं, हाँ कमान है, और मैं धनुष बनाऊँगा अभी थोड़े देर में। मुझे इन्होंने बताया कि मैं इस तरह से, बहुत ही मस्त वो लगेगा। ये एक नया चीज़ है, मुझे लगता है ये कोई कोई भी फ्रेंडली नहीं है यहाँ के जंगलों में। ये देखो ये भी मुझे मार रहा है, ये पता नहीं, ये अजीब सा भूत जैसा है। इसके बारे में भी बताया था, इसको मारने के लिए हमें पहले इससे बचना होगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, और ये जो तलवार है ना, इससे चीर फाड़ कर दो इसका। ये देखो ये देखो, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसे मारना। पर वहीं पे अब आप ये मशरूम्स देख सकते हो, और ये डेंडेलियंस है, इन सबको ले लेता हूँ। और ये जो सुअर है ना, ये बहुत वो है, पर मैं अब अकेले ही मार सकता हूँ ये, मैंने बहुत ट्रेनिंग ली है इन लोगों से। ये देखो बहुत सारा रॉ मीट दे देते हैं ये लोग, और लेदर दे देते हैं, लेदर से ही मैं वो बना पाऊँगा, क्या कहते हैं उसे, तीर धनुष। हाँ मुझे लेदर चाहिए, वुड चाहिए, मैंने देखा था। ये रॉक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सामने कूद रहा था, मेरे चैलेंज कर रहा था मेरे को साले। ये देखो पत्ता भी मिला है, देखो कितना कुछ है, कितना कुछ मिला है। और वो देखो वहाँ पे इतने सारे ये लोग हैं, मतलब शैतान है ये लोग, शैतान, ये लोग ख़त्म ही नहीं होते। ये लोग को मारो वापस थोड़े दूर जाकर रिस्पॉन हो जाते हैं, इसीलिए अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। बुरी बात यही कि हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा, और चलो अच्छी बात भी है कि रिसोर्सेस की कमी नहीं होगी हमें। ये देखो ये फिर आया, इसको मारूंगा, ये दो हिट पे ख़त्म, दो हिट पे ख़त्म। ये देखो यहाँ पे ये फिर ये प्रार्थना करता है, इससे मुझे समझ में नहीं आता क्या होता है, हमें कुछ पावर मिलती है। पर ये देखो ये है वो जंगली जोकर, ये मास्क लगा के आता था। ये देखो यहाँ पे इन लोगों की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है, ये कवच पे। अबे ये सुअर भी इनका, सुअर भी इनकी तरह ही सुअर है। ये ले आ आ, तू भी आ बेटे, आ जा ये ले ये ले ये ले ये ले। मज़ा आया, मज़ा आया। जानवरों को मारने का मन तो नहीं करता, पर ये देखो यहाँ अभी मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। ये प्रार्थना से मुझे सैंड मिलता है, ये जो मेरे आजू बाजू घूमता है ना ये सैंड। ये देखो ये देखो, ये पता नहीं, ये शायद मेरा ऑरा है, ऑरा जो कि प्लस प्लस होते जा रहा है। और मैंने यहाँ तो ये वापस है, मुझे और लड़ना नहीं है। मुझे लगता है ना मुझे और क्राफ्ट करनी चाहिए। हाँ वुडन वो अभी तक मैं क्राफ्ट नहीं कर सकता, स्टोन एक्स क्राफ्ट करता हूँ जी। ये देखिए स्वॉर्ड है, एक्स है और शील्ड है, तो क्या अभी भी लड़ेगा मुझसे? हाँ अरे अरे बाप, ये ले ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म। और डे 4 भी आ गया, सुबह हो गई, रात भर मैं वहाँ पे अच्छे से सोया था। ये देखो बड़ा है सारे, ये ले ये ले, ये भी ले ये भी ले ये भी ले, तुम दोनों को तो ऐसे ही मार दूंगा मैं। गाइस अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए गाइस अभी तक, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए। गेम तो बड़ी शानदार लगती है मुझे, मुझे इस तरह की गेम बहुत पसंद है। आप लोग बताएं आपको कैसे लगती है, मतलब ऐसे जीरो से हीरो बनने वाला, बिल्डअप करने वाला, ऐसे खुद का घर बनाओ, बिजनेस शुरू करो। मुझे लगता है हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, महल भी बना सकते हैं, मतलब
मैं सोच रहा हूँ ना इनके आजू बाजू ही रहूँ, क्योंकि ये लोग ऐसे देखो ये लोग वेल सेटल्ड है यहाँ पे पहले से ही, तो मैं अगर कहीं और जाऊँगा वो देखो वहाँ पे मुझे कुछ खाली ढांचा दिख रहा है, मुझे जाना चाहिए, शायद एक बार चेकआउट करूँगा वहाँ पे क्या है। और ये घोड़ा को मैं पकड़ना तो चाहता हूँ, क्योंकि ये आ जाएगा ना तो बहुत ही मस्त वाइब भी अच्छी आएगी और बहुत सुविधा भी होगा मुझे। और ये बारह सिंगा, इससे पता नहीं मुझे क्या मिलता है। ये बारह सिंगा को मारू क्या, भाग जाता है। खैर छोड़ो, यहाँ पे लकड़ी है, लकड़ी ले लेता हूँ। ओ हाँ, मेरी लाइफ भी कम हो रही है। अरे अरे अरे, बाप रे, ये तो असली जंगली जानवर है, ये कैसे स्पीड में खाया, क्या आप लोगों ने देखा? ओ ओ, ये तो सुंदरी है, लगता है यही अपुन की कहानी की हीरोइन बनेगी। इसका नाम हिल है, इसने मुझे कोई, अच्छा ओ ये बेल्सा की दोस्त है इधर। अरे वो तो वो लोग, ये लोग सब मिले हुए हैं, मतलब कुछ गड़बड़ लगता है। इसने मुझे एक टास्क दिया है, ये बोल रही है कि अपना धनुष देगी, इसका धनुष बहुत ही शक्तिशाली है ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं। मुझे वुड चाहिए, वुड ले लेता हूँ, यहाँ तो हो तो गया। 6 12 12 वुड चाहिए। अच्छा मैं स्नीक करता हूँ, स्नीक करके उस घोड़े के पास जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा वो घोड़ा को अपना पालतू बनाने के लिए, क्योंकि इतना दूर दौड़ूँगा उससे हेल्थ भी कम होते जाएगी, मतलब थकते जाऊँगा तो खाना ऑब्वियसली हेल्थ पे तो नहीं जाएगा ना। यहाँ से मैं देखता हूँ, हाँ अभी वो मुझसे डरेगा नहीं, ये मैंने अच्छा किया। अभी देखता हूँ वो मेरे सामने आ जाए, बस सामने पहुँच जाऊँ। भाई भाई टेम, अरे और कितना रेंज चाहिए यार, यार यार रेंज है क्या मेरे पास? नहीं है। वो देखो ये जंगली सुअर भी आ रहा है, अब कुछ हो ही नहीं सकता इसका। ओ वुडन बो, मैं ये ले सकता हूँ क्या, बना सकता हूँ मैं वुडन बो? एक मिनट, मैं वुडन बो बनाऊंगा, रुकिए। अबे भाग जाता है, थोड़ा सा हिल डुल होता नहीं कि घोड़ा भाग जाता है। वैसे मैं घोड़ा का नाम क्या रखूं? ये देखिए मैंने वुडन ब्रो को काफ्ट कर लिया है। ओ ये तो अर्जुन बन चुका है महाभारत काल का, ये बहुत मस्त है। ये दूर रहने का मेरे से, ये ले फा। ओ डैमेज है इसका अच्छा खासा है, दूर कर देता है ये, बहुत अच्छा है ऐसे कोई मारने। अरे लेकिन शॉर्ट रेंज में मैं इसी से ही मारूंगा। ये देखते फालतू में आते हैं, मीट दे के जाते हैं। और ये उल्लू तो पता नहीं ये माथा के ऊपर क्या करते रहता है, पता नहीं। ओ अच्छा है, वो तो मुझे मिल गया है, पर मैं वही सोच रहा था कि वो जो लड़की है उसके पास जाओ कि नहीं, क्योंकि इस गांव में सब मुझे गड़बड़ लगते हैं। इसे मारू? अबे मारता हूँ, रुक जा, रुक रुक रुक। अबे यार मुझे ना को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ अर्जुन बोल देने से अर्जुन नहीं बन जाऊंगा, मुझे उसकी तरह बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। अबे ये कौन है? ओ मर जा, ओए नहीं, ये आ बच गया, मार 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 मार, बाप रे बाप गाइस। ओ ये सुअर लोग का सरदार है, ये सरदार है सुअर लोग का। ओ माय गॉड, बच गया गाइस, बच गया। इसका दांत लगा नहीं मुझे, वरना ये मेरे पेट के आर पार अपना सिंह घुसा देता। लाइफ देखिए गाइस कितनी कम कर दी है इसने। अरे ओ उधर पेड़ है, मुझे लगा कोई बारह सिंगा है, मैं इसे बारह सिंगा का भी शिकार करूंगा, मैंने सुना है उन्हें मार के भी। ऐसे में असली में जानवर मारने को अबे यार सब मिस होता है मेरे से, सब मिस हो जाता है, खाली ये इसको तो दूंगा मैं, ये ले। अब मजा आया, अब मजा आया, साले समझ सुधरते नहीं है ये लोग हैं। मेरा तीर ही खत्म हो चुका है, तीर बनाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है तीर धनुष के साथ, वैसे सबके साथ ही है। ये ले, समझ में नहीं आता इसको, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को, जानते हैं मर जाएंगे मेरे हाथों पर फिर भी आ जाते हैं।
इनका नाम क्या है मुझे तो ये ही नहीं पता।